वो रब्बुल आलमीन कि जो हम सब का खालिक और मालिक है, जिसने हमें बहुत अहसन सूरत पर पैदा फरमाया, जैसा कि रब तआला इरशाद फरमाता है कि लकद खलकना लिंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को ऐसे सूरत पर पैदा फरमाया। और सिर्फ यही नहीं कि सूरत बना के छोड़ दी हो, रब तआला इरशाद फरमाता है कि लकद करमना बनी आदम, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया, मगर ये हुस्न और जमाल, ये इज्जत और शराफत का ताज लेकर क्या हम और आप वापस जा सकते हैं? यकीनन जा सकते हैं, अगर हम तकवे और परहेजगारी का दामन थाम लें, अगर हम मुत्तकी हो जाएं, अगर हम परहेजगार हो जाएं, क्योंकि हर शय को अपनी असल की तरफ लौटना है, कुल्लु शयइन यरजू इला असलिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। इसे मिसाल के तौर पर आपके हाथ से एक बर्तन छूटा तो आप क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी का इंतकाल हो गया तो आप क्या पढ़ेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका माना और मतलब समझिए कि बेशक अल्लाह ही के लिए है था और अल्लाह की तरफ लौट गया। मालूम क्या हुआ कि हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हम लौटेंगे। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शराफत दी, हुस्न जमाल दिया, क्या आप इसी हाल में वापस लौट सकते हैं? एक ही सूरत है, वो तकवे और परहेजगारी की। अगर आप मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, तो रब फरमा रहा है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है जो ज्यादा परहेजगार और परहेजगार कौन हो सकता है? 20 मर्तबा हाथ धुलने वाला परहेजगार होगा? बोलिए नहीं। परहेजगार वो होगा कि जो शरीयत के दामन को थाम ले, जो शरीयत पर अमल करने लगेगा, वही परहेजगार होगा। मिसाल के तौर पर पाकी हासिल करने के लिए 3 मर्तबा आपको हाथ धुलना है, लेकिन अगर कोई उसमें मुबालगा करे और वुजू की हद तक पहुंच जाए, बोलिए परहेजगार होगा? आप मुझे बताएं, परहेजगार होगा नहीं होगा? आप नमाज की हालत में चाहते हैं कि मैं ज्यादा परहेजगार हो जाऊं और मस्जिद की ज्यादा जगह ले लूं, पैर फैला के खड़े हो जाएं? बोलिए परहेजगार होंगे? आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। अजीजों, मालूम क्या हुआ कि परहेजगार वही हो सकता है कि जो ज्यादा शरीयत पे अमल करने वाला, जो शरीयत के दामन को थामने वाला, अपनी तबीयत पे हाथ नहीं धुलता, अपनी तबीयत पे पैर नहीं फैलाता, अपनी तबीयत पे नहीं सोता, अपनी तबीयत पे नहीं बोलता, जो कुछ भी करता है वो शरीयत के मुताबिक करता है। अब वो बंदा कि जो हुस्न और जमाल के साथ पैदा किया गया, इज्जत के ताज के साथ पैदा किया गया, जब वो लौटेगा रब की बारगाह में, तो अल्लाह उसके हुस्न और जमाल में और इजाफा फरमा देगा। अल्लाह ताला उसके हुस्न और जमाल में और इजाफा फरमा देगा। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी नीयतें बड़ी खराब होती हैं। तो सुनो, जो नीयत खराब रखते हैं ना, उनका अंजाम बड़ा खराब होता है। समझ गए ना? देख लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम, नीयत खराब थी, नबी की शान घटाना मकसद था,
तो जब नबी की शान घटाने में आ गए तो अल्लाह ने उन्हें ही घटा दिया। लेकिन आओ मदीने की सरजमीन पर चलते हैं, अपने अहमद मुख्तार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी एक जिद करने वाला हाजिर हो गया, एक जिद करने वाला हाजिर हो गया जिसका नाम अबू लुबाबा है। वो अबू लुबाबा आए, आने के बाद अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह मुझसे खता हो गई, गुनाह हो गई, अल्लाह के रसूल मेरी खता की माफी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह गफूर और गफ्फार है, अल्लाह से माफी मांगो। सहाबी मचल गए का या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके दरे दौलत से ही माफी का तलबगार हूँ और जब तक के माफी मुझे मिलेगी नहीं मैं यहाँ से चलूंगा नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से माफी मांगो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हजरत अबू लुबाबा भी मचल गए का या रसूल अल्लाह, जब तक कि मेरी खता माफ नहीं होगी मैं इस दरे दौलत से वापस जाने वाला नहीं, अपने को खंबे से बांध के रखूंगा। हजरत अबू लुबाबा ने अपने को खंबे से बांध लिया और जानते हो तीन शबाना यौम, तीन दिन और तीन रात हजरत अबू लुबाबा उस खंबे से बंधे रहे। बोलो हुजूर रहमत वाले आका है ना, अगर कोई हिरन बहेलिए के जाल में फंस जाए तो अल्लाह के रसूल उसकी आजादी की फिक्र रखते हैं। जरा सोचो, एक जंगली जानवर अगर फंस जाए तो हुजूर उसकी आजादी की फिक्र रखते हैं। जाए कि आपका आशिक, आपका चाहने वाला अबू लुबाबा और वो रस्सियों से बंधा हुआ हो, अल्लाह के रसूल उसकी फिक्र नहीं करेंगे, उसकी फिक्र नहीं करेंगे। तीन शबाना यौम, फजर में आए तो देखा, जुहर में आए तो देखा, असर में आए तो देखा, मगरिब में आए तो देखा, ऐशा में आए तो देखा, तहज्जुद में आए तो देखा, वक्त आया तो देखा, असाबे सुफा को दर्द देना हुआ आए तो देखा, बार बार देखा, क्योंकि वो खंबा कहीं दूर नहीं था, बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे अनवर के सामने था, दरवाजा खुले खंबा सामने, जब दरवाजा खुले तो खंबा सामने, जो लोग हज उमरा करके आए वो आज भी वहाँ उस्तवाने तौबा यादगार बना हुआ है, आशिक़े रसूल की यादगार बना हुआ है वो खंबा। आज भी उस मस्जिद नबी में एक खंबा है, उसका नाम है सुतूने तौबा। क्या नाम है? सुतूने तौबा। एक है सुतूने आयशा, उसी के बगल में सुतूने तौबा है, और सुतूने तौबा वो है जो बिल्कुल हुजरे रसूल से करीब है। ठीक है, ख्याल फरमाइए, तीन शबाना यौम गुजर गए, लेकिन ये दीवाना मचला हुआ है, जिद पे आमादा है, मगर नीयत बहुत अच्छी थी, नीयत बहुत अच्छी थी। तो मेरे नबी ने अबू लुबाबा को ही नहीं देखा था बल्कि अबू लुबाबा की तकदीर को भी देखा था कि जब ये मचलेगा तो बाबे रहमत खुलेगा, लोहे महफूज में वो आयते करीमा जो महफूज है वो मेरी बारगाह में हजरत जिब्रील लाके पेश कर देंगे। जब वो आयते करीमा नाजिल हो जाएगी तो सिर्फ अबू लुबाबा नहीं बख्शा जाएगा, कयामत तक का हर वो मोमिन बख्श लिया जाएगा जो मेरी बारगाह में आके दुआ का तलबगार हो जाएगा। तो जिद का मामला समझे ना, नीयत खराब होगी तो तबाही है, और नीयत अगर अच्छी है। अजमेर शरीफ में देखा है कुछ फकीर लोग पीछे दौड़ते हैं, उनकी नीयत खराब नहीं होती है, मांगने में इतना ज्यादा वो आगे है कि स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, है ना, आखिरकार देना ही पड़ता है। तो जब हम मोहताज दे देते हैं तो वो तो मालिक, वो तो मालिक भी हैं, वो तो मुख्तार भी हैं।